नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। खबर उन्नाव से जिलाधिकारी ने की माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद में की गई घोषणाओं वाली बिंदुओं की समीक्षा। संबंधित को दिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। जिलाधिकारी ने की ₹50 लाख से अधिक लागत के निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा। निर्माणाधीन अधूरी परियोजनाओं की प्रगति को बढ़ाए जाने पर दिए जोर। जिलाधिकारी ने दिए सभी निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्तापूर्ण कराने के निर्देश। जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल सभागार में ₹50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद उन्नाव में की गई घोषणाओं से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति, विभिन्न परियोजनाओं की गुणवत्ता को परखने से संबंधित विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने 50 लाख से अधिक लागत के निर्माणाधीन डलमऊ पी पंप नहर की पुनर्स्थापना, पूर्वा में फायर स्टेशन के आवासीय अनावासीय भवनों, आईटीआई बंकर, बीघापुर में शैया युक्त चिकित्सालय का निर्माण कार्य, नगर पंचायत उगू में आरसीसी नाले का निर्माण, नगर पालिका परिषद गंगा घाट में 50 TPD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट निर्माण कार्य, नगर पालिका परिषद उन्नाव में 65 TPD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट निर्माण कार्य, नगर पंचायत अंचलगंज में ऑफिस बिल्डिंग का निर्माण कार्य, MSDP कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद उन्नाव में राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज का निर्माण, माँ चंद्रिका देवी मंदिर में घाटों के निर्माण, बालिका छात्रावास पूर्वा सफीपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत लोटना पूर्वा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शुद्धिकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर 50 शैया मुक्त, एकीकृत आयुष चिकित्सालय ग्राम तौरा विछिया सरैया क्रॉसिंग पर उपरीगामी सेतु के निर्माण, ग्राम गदन खेरा में सद्भाव मंडप का निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के परिसर में हॉस्टल का निर्माण आदि परियोजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता को परखने के लिए निर्देश देने के साथ साथ अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा कराने और जिन परियोजनाओं का कार्य पूरा हो गया है उसे तत्काल संबंधित को हैंडओवर करने के निर्देश दिए। उन्होंने लक्ष्य से सापेक्ष कम प्रगति पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए निर्धारित समय में लक्ष्य की पूर्ति करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित को यह सभी निर्देश दिए कि संबंधित विभाग यह सुनिश्चित कर ले जिन विभागों का कार्य अभी भी लक्ष्य के सापेक्ष पूरा नहीं हुआ है उसे तत्काल पूरा कराया जाए। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।